हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण एगारु टू कोड़े नंबर जे क्वेश्चन आंसर करवा या पूर्व एक रु दस नंबर जे कराई जदि भिड देखने तेज जल्दी जाइए देखी नि डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई। ओके, तो आज आम एगार नंबर रु कोड़े नंबर जाए प्रत्येक क्वेश्चन सटिक आंसर कौन हम गोटी गोटी करके डिस्कसन करवा। भिडियो को शेष पर्यटन देखु आउ चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करी पाखे थोड़ा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु प्रथम जी आम एगार नंबर को एगार नंबर क्वेश्चन कौन देखिए विघटन प्रतिक्रिया को कहीं संश्लेषण प्रतिक्रिया विपरीत बोली कहा जाए। यही दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिख। प्रथम देखा विघटन प्रतिक्रिया को कहीं संश्लेषण प्रतिक्रिया विपरीत बोली कहा जाए। कहीं देख संश्लेषण प्रतिक्रिय दुई बा तत्वधिक प्रतिकारक गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि हुए है। दुई बा तत्वधिक प्रतिकारक मिसी कौन से गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि हुए कौद्रे संश्लेषण प्रतिक्रिय। किंतु विघटन प्रतिक्रिय कौन हुए तार उल्टा हुए। गोटे प्रतिकारक विघटित कौन जे दुई बा तु अधिक आमर उत्पाद दे थे है। एकाधिक सरलतर उत्पाद सृष्टि होता है गोटे प्रतिकारक विघटित एकु अधिक उत्पाद सृष्टि होते एथिपाई विघटन प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिय विपरीत बोली कहा जाए। ओके, तापर उदाहरण देखा कैल्शियम ऑक्साइड सीओ सहित जल तीव्र प्रतिक्रिया करी समित चून सृष्टि करने हूँ गोटे आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया है। सीएओ प्लस एच टू ओ हूँ गिव्स सीएफ ओ एच टू है। ये हूँ कौन आम समित चून। ओके, ये हूँ आम कली चून। तो सीएओ सह आम कौन जे एच टू ओ मिसिक कौन सृष्टि है सीएफ ओ एच टू। ये हूँ कौन गोटे संश्लेषण प्रतिक्रिय उदाहरण। सेमती गोटे विघटन प्रतिक्रिय उदाहरण देखा कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होगा एक विघटन प्रतिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को आम उत्तप्त कले उत्तप्त कर कौन कौन पाइले आम सीएओ है कैल्शियम ऑक्साइड आउ सीओ टू बुझा पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड आम पाइले। ये गोटे कौन जे विघटन प्रतिक्रिया बुझा पड़ा। तापर जीवा बार नंबर को बार नंबर कौन कह देख ताप आलोक किंवा विद्युत शक्ति प्रयोग द्वारा संपादित होता प्रत्येक विघटन प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिख। ताप आलोक आउ विद्युत शक्ति प्रयोग द्वारा संपादित होता प्रत्येक विघटन प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिख कहे। प्रथम देखा ताप द्वारा विघटन देख लेड नाइट्राइड को ताप प्रयोग कले यह विघटित हो लेड ऑक्साइड आउ नाइट्रेट डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुए है। लेड नाइट्राइड को हमें उत्तप्त कर कौन पाइले लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन आउ डाइऑक्साइड बुझा पड़ा। इतनी हमें पाइले सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ऑक्साइड वो ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन ये लेड ऑक्साइड एतिक आम कौन जे ताप द्वारा विघटन करके पाइले। तापर सूर्यालोक द्वारा सूर्यालोक कौन ना सिल्वर ब्रोमाइड सहित सिल्वर ब्रोमाइड आलोक विघटित हो सिल्वर आ ब्रोमिन सृष्टि हुए। सिल्वर ब्रोमाइड ए जि बीआर कौन है सूर्यालोक विघटित होकर ए जि आउ बीआर सृष्टि है सिल्वर आ कौन ब्रोमिन सृष्टि है। विद्युत शक्ति द्वारा अम्लीकृत जल मध्य विद्युत प्रवाहित कले जल विघटित हो हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन सृष्टि हुए है। जल रे आम कौन जे विद्युत शक्ति प्रवाहित कले कि जल ना अम्लीकृत जल अम्लीकृत जल रे आम विद्युत शक्ति प्रवाहित कले से कौन जे हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन केमी दि भाग हो जाए। ओके, तापर जी आम तेर नंबर को कौन देखिए विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य पार्थक्य दर्शाओ। पार्थक्य कौन यही दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण लिख। प्रथम देखा विस्थापन प्रतिक्रिया कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिय गोटे मौलिक कौन से एक जौगिक मौलिक को अपसारण कै कौन कह जाए विस्थापन है। गोटे मौलिक कौन से एक जौगिक मौलिक को अपसारण कै कौन कह विस्थापन प्रतिक्रिया। तो द्वैत विस्थापन कौन ना जो रासायनिक प्रतिक्रिय दुईट प्रतिकारक आयन विनिमय घटे है। दुईट प्रतिकारक आयन विनिमय घटी थाए ता कौन कहुए द्वैत विस्थापन है। यही प्रतिक्रिय समीकरण उभय प्रतिकारक और उत्पाद पार्श्वे गोटे लेखाएं जौगिक और मौलिक रही था कौन जे गोटे लेखाएं जौगिक आउ गोटे लेखे मौलिक उभय पार्श्व रही था
ବୁଝାଗଲ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ଯୌଗିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ମୌଳିକ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଲେଖେ ଯୌଗିକ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝାଗଲ ଏଇଠି ନାହିଁ କି ଦୁଇଟି ଲେଖେ ଯୌଗିକ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବୁଝାଗଲା ଆୟନ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆୟନ ଏଇଠି ଯାଇଥାଏ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆୟନ ଏଇଠି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଗଲ ଏଇଠି ଆଉ କୌଣସି ଆୟନ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନରେ। ତାପରେ ତ୍ରିପଲ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଜିଙ୍କ ଓ କପର ସଲଫେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ ଜିଙ୍କ କପର ସଲଫେଟ୍କୁ କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ ହେଲା ଜେଡ଼ିଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିୟୁ ଏ ସୁପର ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଜେଡ଼ିଏନ୍ ଏ ସୁପର ପ୍ଲସ୍ ସିୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ଆଉ କପର ସଲଫେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଜିଙ୍କ କ'ଣ କଲା କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଆଉ SO4କୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା ଜେଡ଼ିଏନ୍ ଏ ସୁପର ପ୍ଲସ୍ ସିୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଓ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ Na2SO4 BaCl2। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା NaCl ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ ଆଉ BaSO4 ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ NaCl ପ୍ଲସ୍ BaSO4 ହେଇଗଲେ। ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସିଲଭର ଶୋଧନରେ କପର ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ସିଲଭରକୁ ଅପସାରଣ କରି ସିଲଭର ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲେଖ। ଦେଖ କପର ଧାତୁ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ Cu2 ସହ ସିଲଭର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଥିବା Na3- ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କପର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ସିଲଭର ବିସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେମିତିକି Cu ପ୍ଲସ୍ AgNO3 ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ Cu(Na3)2 ପ୍ଲସ୍ Ag ହେଲା ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦେଖ Cu NO2 କ'ଣ ଯେ ମିଶିଗଲେ Ag କ'ଣ ଯେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ବୁଝାଗଲା Cu ପ୍ଲସ୍ AgNO3 ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ Cu(NO3)2 ପ୍ଲସ୍ Ag। ତାପରେ ଯିବା 15 ନମ୍ବରକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଅବକ୍ଷେପଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଧଳା ଦ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ BaCl2 ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ BaSO4 ପ୍ଲସ୍ NaCl ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମିଶିଲା କ'ଣ ବାହାରିଲା ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବାହାରିଲା। ଓକେ ଆଶା କରୁଛି ସବୁଯାକ ବୁଝିପାରୁଥିବ। 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟିକୁ ବୁଝାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲେଖେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାରଣ ଦେଖିବା ଜାରଣ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଜାରଣ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ଜାରଣ ହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ କପର ସହ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା Cu ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଯେ O2 ମିଶାଇଦେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା CuO। ସେମିତି କୋଇଲା ବାୟୁରେ ଦହନ ହେଲେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କୋଇଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବାୟୁରେ ଦହନ କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା CO2 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ବିଜାରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅପସାରଣ ଘଟିଲେ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ବିଜାରଣ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ ବିଜାରଣ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ତାହା ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହିତ କଲେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବିଜାରଣ ଘଟି କପର ଓ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା କପର ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜଳୀୟାଂଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହ କାର୍ବନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ବିଜାରଣ ଘଟି ଜିଙ୍କ ଓ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହ କ'ଣ ଯେ କାର୍ବନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କ'ଣ ଯେ ଜିଙ୍କ ଆଉ କାର୍ବନ ମୋନୋଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଯେ ବିଜାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଏ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା
एक उज्जवल बादामी वर्णर मौलिक एक्स को गरम कले कला हो जाए। मौलिक एक्स एवं सृष्टि होता कला जैव नाम कौन? देख उज्जवल रंगर उज्जवल सॉरी उज्जवल बादाम रंगर मौलिक एक्स हो गोटे कपर यह गरम कले कला जैव सृष्टि से कला जौगिकर नाम कौन ना कपर ऑक्साइड सीओ है। कपर को आम गरम कले कौन सृष्टि हे कपर ऑक्साइड बुझा पड़ला कॉपर ऑक्साइड। तापर देखा अठर नंबर को अठर नंबर कौन कह देख लौह निर्मित पदार्थ गुड़िक आम कहीं रंग लगे था कहीं देख लौह निर्मित पदार्थ वायु सर्स आसिले यह एक लोहित बादाम रंगर प्रलेप माड़ीजे यह लुहार कलंकी बोली कहा जाए है। जिते बड़े गोटे लौह निर्मित पदार्थ वायुर सर्स आसपर कह गए कला सरी लोहित बादाम रंगर प्रलेपटेपर माड़ जाए है। ता कौन कहुए लुहारे कलंक लगे बोले आम कहू लुहारे कलंकी लगे जो यह क्षय घटे जदि लुहारे बेसी दिन कलंक लगे ये कौन आस्ते आस्ते क्षय घटव। लौह निर्मित पदार्थ उपर रंग लगे द्वारा वायु सर्स आसपारे ना जहाँफल लुहारे कलंकी जन धातु क्षय घटे ना जिते आम गोटे लुहा उपर रंग लगेद सी कौन से वायु सर्स आसपार ना है न आसने कौन जे से कलंकी लगे कि धातु क्षय हेनी। तापर देखा उन्नीस नंबर क्वेश्चन कौन दे तैल और चर्बीयुक्त खाद्य सामग्री थी डबा मध्य नाइट्रोजन गैस कहीं प्रवेश कराए कहीं देख तेल और चर्बी वायु सर्स आसिले से जारण घटी से रहणिया गंध बाहर बुझा पड़ा तेल और चर्बी वायु सर्स आसिले से भितर कौन जे रहणिया गंध बाहर एथजो तेल और चर्बीयुक्त खाद्य पदार्थर गंध और स्वाद बदल जाए है। रहणिया गंध गोटे गोटे गंध होते जहाँफल तेल आउ चर्बीयुक्त खाद्य पदार्थ कौन जे गंध आउ स्वाद पूरा बदल जाए। नाइट्रोजन गैस एक प्रतिजारक नाइट्रोजन गैस गोटे कौन जे प्रतिजारक एंटीऑक्सीडेंट होइतबारु एहा तैल और चर्बीयुक्त खाद्य सामग्री जारण प्रतिक्रिया को परिहत करे फलतः खाद्य सामग्री को अधिक दिन डब मध्य सतेज रखा जाए पारे से आमर तैल आउ चर्बीयुक्त खाद्य सामग्री थी डबारे नाइट्रोजन गैस को प्रवेश कर जाए। ओके लास्ट क्वेश्चन प्रत्येक उदाहरण दे निम्नलिखित प्रतिक्रिया को बुझाओ प्रत्येक उदाहरण दे कि प्रतिक्रिया को बुझा कर देखा संख्यारण संख्यारण मान कौन लौह कपर सिल्वर आदि धातु जलीय बाष्प अम्ल इत्यादि सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले उक्त धातु गुड़िकर क्रमशः क्षय घटे यही प्रक्रिया को कौन कह जाए धातु संख्यारण है। लौह कपर सिल्वर आदि धातु जलीय बाष्प और अम्ल सहित प्रतिक्रिया कले कौन जाए धातु गुड़िकर क्रमशः क्षय घटे धातु गुड़िया कौन आस्ते आस्ते नष्ट हो जाती से कौन कह धातुर संख्यारण जलीय बाष्प सर्स आसिले लुहा उपर लोहित बादाम रंग एक आस्तरण सृष्टि हुए यह लुहारे कलंकी बोली कह जाए। जिते बड़े आमर कौन गोटे धातु जलीय बाष्पर सर्स आसपुर कौन गोटे बादामी रंग आस्तरण माड़ जाए प्राय देखि लुहा उपर बादाम रंग आस्तरण माड़ थाए जहाँ को कौन कह जाए कलंकी। से हीपरी सिल्वर उपर पड़ा कला आस्तरण एवं कपर उपर सृष्टि होता सबुज आस्तरण संख्यारण गोटे गोटे उदाहरण। तापर रहणी अवस्था रहणी अवस्था मान कौन तैल और चर्बी जातीय पदार्थ वायु सर्स आसिले से जारण घटे है ये आम पढ़िले जारण प्रक्रिया जो से खाद्य पदार्थर एक प्रकार गंध बाहर जहाँ रहणिया गंध बोली कहुए चर्बी और तैल जातीय खाद्य पदार्थर यही अवस्था को रहणी अवस्था कहुए यह द्वारा खाद्य पदार्थर गंध आउ स्वाद बदली जाए है। तो ये थिला तुम रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण एगार कोड़े नंबर जे क्वेश्चन मानक सटिक आंसर या पूर्व तुम एक रु दस नंबर जे कराई है जदि भिड देखने तेज जल्दी जाकि देखनी आशा करूँ भिडियो समस्त बुझा पड़ी जदि बुझा पड़ी तेल गोटे लाइक करूँ आउ भिडटी को समस्त पाक सेयार कर दिंतु आउ सब्सक्राइब करा जमारू भूलु नहीं आज भी ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।